हवा गणेशा, आज मैं आपको आलू के पकोड़े बनाकर बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 4 आलू लिए हैं, जिनको मैंने छीलकर पानी में रख दिया है। पानी में रखने से हमारे आलू जो है वो काले नहीं पड़ेंगे। तो हमें इन आलू की चिप्स काटनी है। अगर आपके पास चिप्स बनाने की मशीन हो तो आप पतले पतले चिप्स उसी से बना दें, नहीं तो फिर चाकू से इस तरह से एकदम पतले पतले चिप्स काट लें। ज़्यादा मोटे चिप्स नहीं काटने हैं, वरना पकौड़े बनाते वक्त वह कच्चे रह जाएंगे। तो जितना पतला आप काट सकें इस तरह से चाकू से काटते रहें। तो यहाँ पर मैंने सारे आलू की चिप्स काट दिए। अब हम इन्हें छलनी में डाल देंगे जिससे इसका पानी निकल जाए। उसके बाद एक साफ कॉटन के कपड़े पर इसे इस तरह से फैला देंगे। अगर आलू पर ज़्यादा पानी रहेगा तो जो हम घोल बनाएंगे बेसन का वो इसके ऊपर चिपकेगा नहीं, तो जो एक्स्ट्रा पानी है उसे हमें पोंछना है। तो कपड़े पर इस तरह से फैलाकर हल्के से इस तरह से दबाकर जो पानी है वो हम पोंछ लेंगे। ज़्यादा देर हमें इन्हें खुला नहीं रखना, वरना आलू के चिप्स हैं वो काले पड़ जाएंगे। तो फटाफट से इन्हें कपड़ों पर फैलाकर ये पानी है जो साफ कर देंगे। तो एक बर्तन में मैंने छोटी कटोरी से 4 कटोरी बेसन लिया और आधा कटोरी लिया है चावल का आटा। इससे हमारे पकौड़े थोड़े कुरकुरे बनेंगे। छोटी कटोरी से 4 कटोरी बेसन और आधा कटोरी चावल का आटा लिया। फिर डाला है 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हाथों के बीच में क्रश करके डालेंगे। 2 पिंच हींग और 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। तो पहले बेसन और चावल के आटे में हम सूखे मसाले मिला लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल तैयार करेंगे। पानी हमें एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है, वरना हमारा घोल जो है वो पतला भी हो सकता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे और बेसन का हम एक अच्छा घोल तैयार कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा बेसन का घोल तैयार हो गया है। अब हम डालेंगे 2 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, एकदम बारीक काटनी है। थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। एक बार फिर से इसे मिला लेंगे। घोल हमारा ना तो ज़्यादा गाढ़ा है ना पतला है। अगर ज़्यादा पतला हो गया तो आलू पर चिपकेगा नहीं, और ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो फिर वो मोटा रहेगा। तो 5 मिनट के लिए हमने इसको ढक्कन लगाकर रख दिया। एक बार फिर से इसे चला लेते हैं। तो घोल हमारा बराबर ही है हमें। अगर आपका घोल गाढ़ा हो जाए तो थोड़ा पानी डाल दें, लेकिन यहाँ पर बराबर ही है मेरा घोल। तो अब हम डालेंगे 1 चम्मच गरम किया हुआ तेल। गरम करके एकदम खोलता तेल डालना है, इससे हमारे पकौड़े अच्छे फूलेंगे। और फिर से एक बार अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। तो घोल हमारा तैयार है, अब हम पकौड़े बनाएंगे। उधर कढ़ाई में हमारा तेल भी गर्म हो गया है। तो इस तरह से हम घोल में आलू की चिप्स को डुबोएंगे और कढ़ाई में डालते रहेंगे। तो तेल हमारा गर्म है और अब एक एक आलू को हम घोल में डुबोते रहेंगे और कढ़ाई में डालते रहेंगे। गैस की आंच हमने मीडियम रखी है। एक तरफ से जब हमारे पकौड़े हल्के से फ्राई हो जाएंगे तब हम इन्हें पलटेंगे। तो पलट पलट कर दोनों तरफ से हमारे पकौड़े हमने अच्छी तरह से फ्राई कर दिए। पकौड़े हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इन्हें हम निकाल देते हैं। और इसी तरह से बाकी जो आलू के चिप्स हैं उनके हम पकौड़े बना देंगे। तो लीजिए, हमारे आलू के पकौड़े तैयार हैं।
सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म हाथों हाथ आप बनाकर इन्हें खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक काटकर दिखाती हूँ, देखिए बिल्कुल कितना बढ़िया हमारा जो पकौड़ा है बना है। आलू अंदर से एकदम सॉफ्ट है और ऊपर जो बेसन की परत है वह भी पतली पतली है। तो जब भी आपका मन करे फटाफट से आप आलू के पकौड़े बना दें, बनाना भी बहुत आसान है और जल्दी भी बन जाता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।